हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का धुरीना एप्लीकेशन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से आपकी ऑफिशियली जो क्लासेस है वो एचपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी के लिए और पैडागोजी के लिए स्टार्ट हो रही है। इससे पहले मैंने आपके आपके साथ जो है सिलेबस को डिस्कस किया था। आई होप आपने सिलेबस डिस्कशन वाली वीडियो देख ली है, आपको अपना सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है। आप एक एक करके एक एक टॉपिक को यहाँ पर पिक कर लें, ठीक है। और एंड में आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगे ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। जो कंटेंट मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ, इस कंटेंट को अच्छे से समझना, और जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिक वहां पर बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने अच्छे से पहले कंटेंट को देखना है। साइकोलॉजी क्या है? देखिए, आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो दिया गया है, यानी कि शैक्षणिक मनोविज्ञान, ठीक है। शैक्षणिक, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शैक्षणिक मनोविज्ञान आपको टॉपिक में दिया गया है। बट इस पर बढ़ने से पहले आपको साइकोलॉजी क्या होती है वो पता होना चाहिए, मनोविज्ञान होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। शायद आपने पढ़ भी रखा हो, बट फिर भी हमने अगर यहाँ पर ये बैच लॉन्च किया है तो हम कंप्लीट बेसिक से सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस, ठीक है। तो देखिए, साइकोलॉजी जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया है? ये शब्द दिया है रुडोल्फ गोकल ने। हमेशा ध्यान में रखना, साइकोलॉजी की जो फादर है वो कोई और है, जबकि जो शब्द है वो रुडोल्फ गोकल ने दिया है। और अगर आपसे पूछे साइकोलॉजी के फादर कौन है, मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलहेल्म वुंड इनके जनक है। अगर आपको याद हो, आपने जब एचटेट दिया था तो हमने विलहेल्म वुंड को पढ़ा होगा। उसमें जब हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं, यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय जब हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला स्कूल आता है स्ट्रक्चरलिज्म का, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म का जो है पहला स्कूल आता है। स्ट्रक्चरलिज्म के जनक कौन है? विलहेल्म वुंड है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना वहां पे, विलहेल्म वुंड जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है इनको, और ये फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पर इन्होंने जो है, इससे पहले ना साइकोलॉजी एक तरीके से फिलोसफी का हिस्सा थी, और जब इन्होंने पहली एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित करी, कहाँ पर? जर्मनी के लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, जर्मनी के LEIPZIG, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। लिप्जिंग जो है एक शहर का नाम। तो आपसे अगर पूछे पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी, पहली साइकोलॉजी की मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है, वो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो है स्थापित करी गई थी बाय विलहेल्म वुंड। और यहाँ से साइकोलॉजी का एक अलग विषय वस्तु के रूप में एक अलग सेपरेशन हुआ फिलोसफी से, इसलिए इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ी चीजें समझ में आई। मैंने यहाँ पर कोई भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं लिखे, हमेशा ध्यान में रखना, कुछ किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब स्टार्टिंग करते हैं। साइकोलॉजी शब्द जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, जिसके अंदर आपका साइके एंड लोगोस आ जाता है। यहां से आपका टूटा है साइके और लोगोस, ठीक है। साइके का मतलब होता है साउल, साउल का मतलब क्या होता है? आत्मा होती है। और लोगोस का मतलब क्या होता है? साइन। तो सबसे पहले जब साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया था, तो साइकोलॉजी के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा गया? कि जो मनोविज्ञान है उसको आत्मा के विज्ञान के रूप में यहाँ पर सबसे पहले परिभाषित किया गया था। हालांकि इसको बाद में क्रिटिसाइज किया गया था, बिकॉज हम आत्मा का अध्ययन नहीं कर सकते, हम आत्मा के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम आत्मा को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए बाद में इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया था। बट सबसे पहले साइकोलॉजी के डेफिनेशन क्या दी गई थी, और ये साइकोलॉजी के डेफिनेशन सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो और अरस्तु। अरस्तु को इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो अरिस्टोटल पढ़ते हैं, और हिंदी में उसको अरस्तु बोलते हैं। तो उनका नाम आता है किसके अंदर? जब हम साइकोलॉजी को साइंस ऑफ साउल कहा गया था, यानी कि आत्मा का अध्ययन कहा गया था, तो इन दो फिलोसफर्स का नाम आता है, प्लेटो का और अरस्तु का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या डेफिनेशन दी गई साइकोलॉजी की? कि साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंस ऑफ साउल, यानी कि आत्मा के विज्ञान के रूप में, या फिर आत्मा के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को माना गया था। इतना समझ में आया सबको? सारी चीजें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे कि साइकोलॉजी को क्या क्या माना गया था। तो सबसे पहले तो क्या माना गया साइकोलॉजी को? साइंस ऑफ साउल माना गया है, ठीक है। हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जो दो शब्दों से मिलकर बना है उसके बेस पर साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया, कि जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वो आत्मा का अध्ययन है। अब सबसे पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन यही दी गई थी कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ साउल, ठीक है। ये किसने? प्लेटो और अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को हिंदी में आपको अरस्तु लिखा मिलेगा, और प्लेटो आपको प्लेटो ही लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेटो और अरिस्टोटल ने सबसे पहले इंटरप्रेट किया था कि जो साइंस ऑफ साउल है, यानी कि कौन? साइकोलॉजी, ठीक है। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन है, आत्मा का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को देखा गया। बट
जो साउल है वो मेटाफिजिकल है, आध्यात्मिक है, आप इसको ना तो मेजर कर सकते हो, ना आप किसी के साउल पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ना आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया था, ये कहा गया था कि नहीं, जो मनोविज्ञान है वो इसके ऊपर सारी चीजें नहीं टिकी होती है, इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया। एंड देन बाद में उसको कहा गया क्या, साइकोलॉजी को कहा गया साइंस ऑफ माइंड, यानी कि मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में साइकोलॉजी को कहा गया, ठीक है, सेकेंड टाइम पर। अब ये किसने कहा, यहाँ पर हम बात करते हैं इमैनुअल कैंट की। इमैनुअल कैंट किसने कहा साइंस ऑफ माइंड साइकोलॉजी को, इमैनुअल कैंट ने कहा। यहाँ पर जो है जॉन लोके का नाम भी आता है, ह्यूम का नाम भी आता है, कैंट का नाम भी आता है, ठीक है, ये सभी फिलोसफर है, इन सभी का नाम आता है, लेकिन मेनली जो जर्मन फिलोसफर है इमैनुअल कैंट, उन्होंने डिफाइन किया साइकोलॉजी को किसका, मस्तिष्क का अध्ययन। पहले कहा गया था कि आत्मा का अध्ययन है, बट उसको क्रिटिसाइज किया गया। फिर कहा गया कि ये साइकोलॉजी क्या है, माइंड का अध्ययन है, यानी कि किसी के दिमाग को पढ़ने का एक तरीके से ये जरिया है। 18th सेंचुरी में साइकोलॉजी को अंडरस्टूड किया गया साइंस ऑफ माइंड, और इसके अंदर विलियम जेम्स का नाम आता है। विलियम जेम्स से अगर आपने ध्यान में दिया हो, अगर जब आपने एचटेट दिया था तो हमने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की थी, ठीक है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान को, मनोविज्ञान के संप्रदाय, और उसके अंदर सेकेंड नंबर का जो संप्रदाय है वो आपका फंक्शनलिज्म है, प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। और फंक्शनलिज्म के जनक कौन है, विलियम जेम्स है, ठीक है। ये जो चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ ना, इसको लिख लेना कहीं पर, या फिर ये पीडीएफ भी मैं आपको ऐड कर दूंगी इसी कोर्स के अंदर, ठीक है, पूरा पीडीएफ आपको ऐड कर दूंगी। तो विलियम जेम्स कौन थे, फंक्शनलिज्म के जनक थे, और साथ ही इन्होंने एक बुक दी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के प्रिंसिपल क्या होता है, मनोविज्ञान के प्रिंसिपल को हिंदी में मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, सिद्धांत, ठीक है, साइकोलॉजी के यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत नाम से इन्होंने क्या दी थी, एक बुक दी थी 1890 में, इसमें 1890, ठीक है। और विलियम वुंड जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के फादर थे, उन्होंने अपनी पहली प्रयोगशाला कब स्थापित करी थी, 1879 में, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। साथ साथ विलियम जेम्स को फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, अमेरिकन साइकोलॉजी, ठीक है, विलियम जेम्स को। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, ये सभी चीजें बहुत जरूरी है, इसको जरूर ध्यान में। तो साइंस ऑफ माइंड साइकोलॉजी को किसने कहा, इमैनुअल कैंट ने कहा। बट फिर से वही बात आ जाती है, हम किसी के दिमाग को ना पढ़ सकते हैं, ना हम किसी के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ना हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इस चीज को भी बाद में क्या किया गया, इस चीज के बारे में भी कंफ्यूजन था, ठीक है, ये स्पष्ट नहीं था, क्योंकि मन की जो प्रकृति और कार्यों के बारे में हमें इतना नहीं पता होता, हम किसी के दिमाग को नहीं पढ़ सकते हैं। इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आप लोग नहीं पढ़ सकते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं नहीं पढ़ सकती। तो साइकोलॉजी क्या है, वो मस्तिष्क का अध्ययन है, इस चीज को भी क्रिटिसाइज किया गया। देन बाद में कहा गया साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी है एक साइंस ऑफ कॉन्सियसनेस, यानी कि चेतना के विज्ञान के रूप में साइकोलॉजी को माना गया। अब यहाँ पर किन का जिक्र आता है, यहाँ पर जो जिक्र आता है मोस्टली साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया इसको, कि साइकोलॉजी क्या है, हम किसी की चेतना का अध्ययन करते। चेतना तो आपको पता होगा ना, कॉन्सियसनेस, सबकॉन्सियसनेस, अनकॉन्सियसनेस, ठीक है, तो ये तीन पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि साइंस ऑफ कॉन्सियसनेस है, किसी की चेतना का अध्ययन यहाँ पर मनोविज्ञान है। इसके अंदर जेम्स सुली का नाम आता है, इन्होंने कहा था कि साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड, ठीक है, इसके बारे में कहा गया था। उसके बाद विलहेम वुंड फिर से आ गए हैं, एक बार फिर से इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्ट्रक्चरलिज्म के जनक है ये, जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उसके अंदर सबसे पहला स्कूल स्ट्रक्चरलिज्म है। बट स्ट्रक्चरलिज्म जो शब्द है ये इनके शिष्य टिचनर ने दिया था, इनके एक शिष्य थे, स्टूडेंट थे, टिचनर ने ये शब्द की उत्पत्ति दी करी थी। लेकिन इस स्ट्रक्चरलिज्म के जनक कौन है, विलहेम वुंड है, और विलहेम वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, अभी ऊपर हमने किया। इन्होंने पहली एक एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित करी थी जर्मनी के लिप्ज़िंग सिटी में, इसलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि प्रायोगिक जो मनोविज्ञान है उनके जनक है ये, ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेनी है। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर पहली एक्सपेरिमेंटल लैब कहाँ पर हुई और किसके द्वारा, पहली एक्सपेरिमेंटल लैब इंडिया के अंदर, तो ये कैलकटा में हुई थी स्थापित, कैलकटा में, और एन एन सेन गुप्ता के द्वारा, ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखना।
तो विल्हेम वुंड किसके फादर है, साइकोलॉजी के और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक है। बट ये जो स्ट्रक्चरलिज्म शब्द है ये टिचनर ने दिया था, जो कि शिष्यत है विल्हेम वुंड के। और जब हम विलियम जेम्स की बात करते हैं तो विलियम जेम्स जो है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी है, वो फंक्शनलिज्म के जनक है। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम की एक बुक भी दी थी। ठीक है, तो विल्हेम वुंड और विलियम जेम्स दोनों एक दूसरे के क्या थे, एंटी थे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के एंटी थे। तो बाद में फिर कहा गया कि साइकोलॉजी क्या है, एक, एक क्योंकि कॉन्सियसनेस भी हम तीन तरह की बात करते हैं, एक होता आपका कॉन्सियस, एक सबकॉन्सियस और एक अनकॉन्सियस, इसलिए इस डेफिनेशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। नोट में मैंने आपको थोड़ा लिख के दिया है, बिकॉज ये पीडीएफ भी मैं आपको अपलोड करूंगी, तो इस पीडीएफ के अंदर आपको सेम चीज मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करी है, जो अभी मैंने ऊपर बताया ना आपको कि पहला एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी साइकोलॉजी की वो यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्ज़िग में जर्मनी में 1879 में स्थापित करी, और ये पहली लेबोरेटरी थी जो कि साइकोलॉजी को डेडिकेटेड करी गई थी, और इसकी जो ओपनिंग है वो इससे ही जो मॉडर्न आधुनिक जो मनोविज्ञान है इसका जन्म हुआ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जब पहली एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित करी गई थी तो यहाँ से साइकोलॉजी एक अलग विषय वस्तु के रूप में उभरी थी। उससे पहले साइकोलॉजी किसका हिस्सा थी, फिलोसफी का हिस्सा थी, इसलिए इसको मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है, यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान इसको कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आपको ये सेम चीज मैंने हिंदी में यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद साइकोलॉजी को अब अंतिम आता है कि जो मनोविज्ञान है उसको क्या कहा गया, व्यवहार का अध्ययन कहा गया मनोविज्ञान को। पहले कहा गया था किसका, आत्मा का अध्ययन, साउल का अध्ययन, फिर कहा गया मस्तिष्क का, माइंड का अध्ययन, फिर कहा गया कॉन्सियसनेस यानी कि चेतना का अध्ययन कहा गया, लेकिन इन सबको नकारा गया और फिर बाद में इसको क्या कहा गया, ये क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। और एट प्रेजेंट साइकोलॉजी एक तरीके से व्यवहार का अध्ययन ही इस समय भी साइकोलॉजी को माना जाता है। ठीक है, इनके अंदर किन का नाम आता है, इनके अंदर विलियम मैकडूगल का नाम आता है, जिन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया साइंस ऑफ बिहेवियर। और जो मेन नाम आता है बिहेवियरिज्म में वो आपका जेबी वॉटसन का आता है, क्योंकि जेबी वॉटसन किसके जनक है, जेबी वॉटसन बिहेवियरिज्म के जनक है। ठीक है, बिहेवियरिज्म के जनक है, जिसको आप व्यवहारवाद बोलते हो। ठीक है, जेबी वॉटसन का नाम बिहेवियरिज्म में बहुत महत्वपूर्ण है, और बिहेवियरिज्म आपका एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी है, हम लोग सेपरेट उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जेबी वॉटसन इसमें सबसे अहम है, जिन्होंने डिफाइन किया साइकोलॉजी को, क्या है साइकोलॉजी, साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि हम किसी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान क्या है, कि सामने वाला अपने माइंड में कैसे एक्ट करता है और वो कैसा व्यवहार शो करता है, एक तरीके से यही क्या है, मनोविज्ञान है। ठीक है, यानी कि मन का विज्ञान है, माइंड में क्या चीज चल रही है, और वो माइंड में कुछ भी चल रहा है तो वो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे चल रहा है, और उसी एक्सपीरियंस के बेस पर वो अपना एक व्यवहार जताता है। ठीक है, तो ये आपको आगे बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आज के टाइम तक भी साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है, बिहेवियर के रूप में ही साइकोलॉजी को देखा जाता है, यानी कि हम किसकी स्टडी करते हैं, हम बिहेवियर की ही स्टडी करते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे भी डेफिनेशन साइकोलॉजी की इसी के अकॉर्डिंग है। बिहेवियर का मतलब क्या है, जनरली मीन्ड ओवरट एक्टिविटीज विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड साइंटिफिकली, यानी कि हम किसी के व्यवहार का, हम किसी के बिहेवियर का उसको क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम साइंटिफिकली उसको मेजर भी कर सकते हैं, इसलिए ये डेफिनेशन यहाँ पर जो है स्टीक बैठी। बट वंस बिहेवियर इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज एक्सपीरियंस, अभी आप सभी को बताया कि किसी का व्यवहार जो है उसके अनुभव से जो है प्रभावित होता है, कैसे प्रभावित होता है उसका व्यवहार, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सो व्हेन वी, जब हम स्टडी करते हैं किसी के बिहेवियर को तो हम उसके एक्सपीरियंस को ही स्टडी करते हैं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। मान लो कभी किचन में मैं थी और मेरा हाथ जो है गर्म तवे से लग गया, तो गर्म तवे से लग गया तो मेरा हाथ जल गया, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं किचन में जाऊंगी तो मेरे को पता है, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे क्या एक्सपीरियंस है कि अगर मैं गर्म तवे के पास जाऊंगी तो मेरा हाथ फिर से जल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना बिहेवियर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दिखाऊंगी, नेक्स्ट टाइम मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, मैंने अपना व्यवहार बदल दिया, पहले मैं उसके पास गई थी, मुझे एक्सपीरियंस हुआ मेरा हाथ जला, फिर नेक्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो अनुभव है वो मेरे व्यवहार को चेंज करेगा, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, और मेरा माइंड मुझे क्या कहेगा कि तेरे को पिछला एक्सपीरियंस है कि तेरा हाथ जल गया था, इसलिए अपनी दूरी उससे बना, और मेरा व्यवहार क्या रहेगा, मैं अपनी दूरी उससे बनाऊ। ठीक है, सो इसी ये पूरे पैराग्राफ में आपको यही चीज बताई गई है कि जब किसी के माइंड में कुछ चल रहा होता है तो वो उसके व्यवहार को दर्शाता है, और व्यवहार किसको, व्यवहार को कौन प्रभावित करता है, उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव यहाँ पर उसको प्रभावित करता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें यहाँ पर समझ में आ रही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम चलते हैं
द साइकोलॉजी फर्स्ट, उसके बाद ये यहाँ पर डेफिनेशन ये एक प्रोवाइडेड है, ये डेफिनेशन किसने दी थी ये ध्यान में रखना, बिकॉज कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, बताओ ये डेफिनेशन किसने दी। तो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर अपना माइंड खोया, मस्तिष्क खोया, एंड देन फिर अपनी चेतना खो दी। और एट प्रेजेंट मनोविज्ञान क्या है, एट प्रेजेंट जो है उसका व्यवहार ही विद्यमान है, उसका बिहेवियर ही एग्जिस्ट है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी को पहले साउल का स्टडी कहा गया, फिर उसको माइंड का स्टडी कहा गया, फिर उसको चेतना की स्टडी कहा गया, और फिर लास्ट में उसको बिहेवियर की स्टडी कहा गया। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन दी है वुडवर्थ ने। वुडवर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इन्होंने बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करी है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी आत्मा खो दी, फिर अपना मन खोया, एंड देन फिर अपनी चेतना खो दी, और वर्तमान में उसका व्यवहार ही विद्यमान है। तो ये डेफिनेशन वुडवर्थ ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब डेफिनेशंस को, अब ऑफिशियल डेफिनेशन देखेंगे। अभी तक हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे साइकोलॉजी की, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा आगे। तो इसकी स्टडी, इसके डेफिनेशन क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ माइंड, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट अफेक्ट बिहेवियर। मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया ना, किसका, गर्म तवे वाला एग्जाम्पल दिया था। तो ये क्या था, मैंने अपना जो व्यवहार बदला, क्यों बदला, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा एक्सपीरियंस था, और उस एक्सपीरियंस से मेरा व्यवहार क्या हुआ, अफेक्ट हुआ, मेरा बिहेवियर अफेक्ट हुआ। और ये किसकी स्टडी थी, ये सारी चीजें कहां से हुई, मेरे माइंड में हुई, ठीक है। और माइंड ने कैसे वर्क किया वो डिपेंड करता है कि मेरा व्यवहार कैसे इस चीज को अफेक्ट करेगा और मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो हम जब किसी का व्यवहार को अध्ययन करते हैं तो हम इनडायरेक्टली उसके अनुभवों का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। आपकी आपका आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है आपके फ्रेंड के साथ, बट आपने उसको 100% दिया, बट आपका फ्रेंड आपको 100% नहीं दे रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो क्यों चेंज हो जाएगा अपने फ्रेंड के प्रति, बिकॉज आपने वो एक्सपीरियंस किया है, आपने वो फील की है कि आप अब जितना दे रहे हो अपने फ्रेंड को, आपका फ्रेंड उतना नहीं दे रहा है। तो आपका व्यवहार किससे प्रभावित हुआ, आपके अनुभवों से, आपका एक्सपीरियंस जो कि आपके आपका आपके दोस्त के साथ बना है, ठीक है। तो यही आपकी क्या है, साइकोलॉजी है। समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट है, अब ये कुछ डेफिनेशन और है जिसके अंदर बी एफ स्किनर ने ये डेफिनेशन दी है। इनको भाई सच में अच्छे से देख लेना, बिकॉज कई बार पूछ लेते हैं। तो साइकोलॉजी शुड देयरफॉर बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑन ह्यूमन बीइंग, कि जो मनोविज्ञान है वो किसकी स्टडी है, उसके व्यवहार की और उसके अनुभवों की स्टडी है, ठीक है। मनुष्यों के व्यवहार और अनुभवों की स्टडी, उनका विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। तो ये डेफिनेशन बी एफ स्किनर ने दी है, ठीक है। स्किनर ने बहुत अच्छी एक लर्निंग की थ्योरी भी दी थी। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप। साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार और मानव मानवीय संबंधों का अध्ययन है। इसके बारे में किसने कहा, ये क्रो एंड क्रो ने कहा। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को, बिकॉज एजुकेशनल साइकोलॉजी हम पढ़े, इससे पहले हमें साइकोलॉजी क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी देखिए, साइकोलॉजी क्या था, हम किसी के व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे, हम किसी के बिहेवियर का अध्ययन कर रहे थे। और जब हम बिहेवियर का अध्ययन कर रहे थे तो उसके एक्सपीरियंस को हम इनडायरेक्टली अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस का जो अनुभव है उसको भी हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे। तो यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है कि हम लोग साइकोलॉजी ही कर रहे हैं, हम लोग बिहेवियर को ही स्टडी कर रहे हैं, बट किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, टीचिंग लर्निंग के फील्ड में। आप इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, और आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे उनके बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। और वो सारी चीजें आप कैसे सीखेंगे, जब आप एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, जब आप किसी बच्चे का बिहेवियर को अध्ययन करेंगे, किसी बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, तो आप कैसे उस चीज को शिक्षा के अंदर अप्लाई करेंगे, कैसे आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान उसको सारे स्टडी करेंगे अपने बच्चे को। तो इसीलिए इस चीज को यहाँ पर लाया गया था, एजुकेशनल साइकोलॉजी को। एजुकेशनल साइकोलॉजी को अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये एक मनोविज्ञान की ही ब्रांच है जिसके अंदर हम साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं। हम मनोविज्ञान जो अभी तक पढ़ के आए हैं उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द एप्लीकेशन, ठीक है। किसका एप्लीकेशन, भाई हम कोई भी चीज करते हैं और जब हम उसको अप्लाई करते हैं ना तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से आता है ना। तो हम यहाँ पर साइकोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल फाइंडिंग किस चीज में, किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होगी कि हम साइकोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या करेंगे, टीचिंग लर्निंग करेंगे अपने बच्चों के दौरान, अपने बच्चों के साथ। तो टीचिंग लर्निंग के दौरान आप साइकोलॉजी को कैसे अप्लाई करेंगे एजुकेशन में, वही आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है।
इन अदर वर्ड्स इट डील्स विद अ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशंस एजुकेशनल सेटिंग। हम साइकोलॉजी में क्या कर रहे थे, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे ना, हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे, माइंड कैसे काम करता उसको स्टडी कर रहे थे। बट अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर यानी कि जो आपके बच्चे हैं, आपके जो स्टूडेंट हैं, आप जिन बच्चों को पढ़ाएंगे उनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे। बट कहाँ पर, किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। इसका मतलब ये है कि क्लासरूम में जब आप टीचिंग लर्निंग करेंगे, ठीक है, शिक्षण और अधिगम करेंगे, तब अपने बच्चों के बारे में आप जो कुछ चीजें स्टडी करेंगे वही आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने, बहुत अच्छी तरीके से, फिर भी ना है थोड़ा रिपीट पे देख लेना, ठीक है, और फिर भी ना है तो आप फिर कमेंट करके पूछ ले। चलिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज प्यूपिल्स रेंजेस लिमिट्स ऑफ देयर कैपेसिटीज द प्रोसेसेस बाय विच दे कैन लर्न एंड देयर सोशल रिलेशनशिप। अगर आप एजुकेशनल साइकोलॉजी को अच्छे से समझ रहे हैं, अगर आप शैक्षणिक मनोविज्ञान को अच्छे से समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो स्टूडेंट है, या आपके बच्चे ही तो हैं वो, आपके जो लर्नर हैं, आपके जो स्टूडेंट हैं, आप उनके बिहेवियर को अच्छे से समझ रहे हैं, साथ ही आपके बच्चों के क्या इंटरेस्ट हैं, आपके बच्चों की क्या पसंद चीजें नहीं है, आपके बच्चे कैसे सीखना पसंद करते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, आपको अपने पीपल का मतलब क्या होता है, आपके स्टूडेंट्स ही, ठीक है, आप अपने स्टूडेंट्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको एजुकेशन साइकोलॉजी का ज्ञान है, अगर आपको साइकोलॉजी का ज्ञान है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके बच्चों के डेवलपमेंट कितनी है, आपको उन्हें किस लेवल तक पढ़ाना है, आप उन्हें कितने एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, अगर उनको एक मेथड से समझ में नहीं आ रहा है तो आप कितने मेथड्स यूज कर सकते हैं, उनकी लिमिटेशन क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, उनकी डिजायर्स क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग आपको क्लास में पता रहेगा, और इससे आपके बच्चों के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी बढ़िया होगी, और साथ ही बच्चे सोशल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। इसका मेन मकसद, आजकल आपने देखा होगा हर एग्जाम में साइकोलॉजी पूछी जा रही है, क्यों पूछी जा रही है, बिकॉज हम कई बार क्या करते हैं ना, बीएड वगैरह में तो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। बिकॉज जब हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, तो हम एक तरीके से ये समझ जाते हैं कि हम जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो बच्चे किस लेवल तक के हैं, हमें उनके साथ कितना जा सकते हैं, उनका डेवलपमेंट क्या है, उनके क्या पोटेंशियल्स हैं, वो हम एक तरीके से सीखते हैं। तो सभी एग्जाम्स के लिए ये चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है। ठीक है, और मुझे पर्सनली ऐसे फील होता है कि भाई ये होना भी चाहिए, ये होना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है भाई टीचर बस क्लासरूम में जाए, लेक्चर डिलीवर किया, उसको पता ही नहीं है उसको बच्चे को समझ में आया है कि नहीं आया है, और वो बस अपना दो चार उसने बातें बोली और वो अपना घर को। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, साइकोलॉजी की ब्रांच है यहाँ पर, साइकोलॉजी की ब्रांच, इसके अंदर आपका एक प्योर साइकोलॉजी है जो हमने ऊपर पढ़ा, एक आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी को ही हम एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई करते हैं तो वो आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी हो जाती है। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाता है, और भी साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, और यहाँ पर प्योर के अंदर आपकी जनरल है, एबनॉर्मल है, सोशल है, एक्सपेरिमेंटल है, फिजियोलॉजिकल है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया कि ब्रांचेस इसके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नीचे और इसका अप्लाइड में क्रिमिनल है, इधर आपका जियो साइकोलॉजी है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके कुछ डेफिनेशंस है एजुकेशनल साइकोलॉजी के, उन डेफिनेशंस को देख लीजिए। एक सेकंड रुक जाइए। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी है, जिन्होंने शैक्षणिक मनोविज्ञान की परिभाषा दी है, इनको भी पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू सी स्कीनर, स्कीनर है, ठीक है, स्कीनर ने, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। शैक्षिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है, यानी कि आप यहाँ पर टीचिंग लर्निंग करते हो, क्लासरूम के अंदर डील करते हो, अपने स्टूडेंट्स के डील करते हो। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, ये डेफिनेशन दी है स्कीनर ने। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन इंक्लूड इसलिए करी है बिकॉज ताकि आप ध्यान में रखो। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्क्राइब करती है और एक्सप्लेन करती है आपके लर्निंग के एक्सपीरियंस को, आपके सीखने के अनुभव को, ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। इसका मतलब क्या है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर के और उसके वृद्धावस्था तक, जब तक वो जीता है, जब तक वो रहेगा इस दुनिया में, उसके सीखने के अनुभव का वर्णन करती है। तो ये डेफिनेशन किसने कहा है, ये डेफिनेशन दिया है क्रो एंड क्रो। ठीक है, ये थोड़ा सा डेफिनेशन आपको भाई देखना पड़ेगा बिकॉज वाकई में पूछा जाता है, पता नहीं भाई आपसे पूछे ना पूछे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं पूछना छोड़ू।
तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भी इस चीज को लेकर के चलें। अकॉर्डिंग टू कोलेसनिक, एजुकेशन साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के निष्कर्ष और सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी थ्योरीज करते हैं जो कि हम आगे करेंगे उन थ्योरीज को, और आपने एचटेट में ऑलरेडी पढ़ भी रखी है तो उसी के बारे में ये डेफिनेशन, जहां पर आप थ्योरीज का जिक्र करते हो, जहां पर आप मनोविज्ञान के निष्कर्ष की बात करते हैं, वो डेफिनेशन कोलेसनिक ने दी है। ठीक है, ये डेफिनेशन भी देख लेना। अब ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डिस्कशन वी कैन कंक्लूड, ये पूरी पीडीएफ आपको मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है, आप पीडीएफ से अच्छे से इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डेफिनेशंस वी कैन कंक्लूड दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट साइंटिफिक नॉलेज विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। यानी कि हम ये यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो एक ऐसा वैज्ञानिक ज्ञान है, एक ऐसा साइंटिफिक नॉलेज है जो कि क्या करता है, किससे डील करता है, सीखने के, टीचिंग के और लर्निंग प्रोसेस को डील करता है। यानी कि शिक्षण को, आप शिक्षित हो, शिक्षण, आप जो है एक शिक्षक बनने जा रहे हो तो आप शिक्षण करेंगे और आपके विद्यार्थी क्या करेंगे, अधिगम करेंगे यानी कि सीखेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी एक ऐसा साइंटिफिक नॉलेज है जहां पर आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिफाइन करते हो, टीचर का, स्टूडेंट का, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन आप एज्यूम करते हो और सब्जेक्ट के ऊपर इसका स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस होता है। ये चीजें थोड़ी सी बेसिक हो जाती है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट आपके बात करते हैं स्कोप, आपसे पूछा गया है, आपसे कंसेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी पूछा गया था। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा वो आपका कंसेप्ट था, ठीक है, आप पढ़ेंगे स्कोप क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी का। हमने एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ ली, आप एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है उसका दायरा क्या है, कहाँ तक हम सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पर दायरे के अंदर सबसे पहला दायरा आपका आता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस, यानी कि एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। इसका मतलब यह है कि ये बहुत जरूरी हो जाता है टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड टू नो हाउ एन इंडिविजुअल ग्रोज डेवलप्स इज वेरी असेंशियल फॉर द टीचर। यहाँ पर किसी भी शिक्षक के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो स्टडी करे, किसके बारे में स्टडी करे, कि वो जिन बच्चों को पढ़ा रहा है, जिन स्टूडेंट्स को, अब आप तो एडोलेसेंस स्टेज के बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तो आपको एडोलेसेंस स्टेज को पढ़ना है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, एडोलेसेंस स्टेज की हर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको स्टडी करनी है, ये आपको स्टडी करवाता है आपके बच्चे के डेवलपमेंट स्टेजेस क्या है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कितना है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट क्या है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना है, ये सारी चीजें आपको एडोलेसेंस लेवल की पता होनी चाहिए है, और ये हम आगे की वीडियोस में कवर भी करेंगे। ठीक है, और जब आपको ये पता होता है कि मैं जिस बच्चे को पढ़ाने जा रहा हूं या जा रही हूं उसका डेवलपमेंट कितना है, वो कितना चीजों को सीख सकता है, तो आपकी जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छी अफेक्टिव तरीके से होती है। तो विकास के चरणों का अध्ययन हम इसमें करते हैं, पहला तो स्कोप ये है, दूसरा है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इंडिविजुअल डिफरेंस तो आप सभी को पता है, आप सभी पढ़ के आए हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स करती है अंडरस्टैंड में इंडिविजुअल डिफरेंस। भाई हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चे की पृष्ठभूमि अलग होती है, हर बच्चे का जो जेंडर है वो अलग होता है, हर बच्चे का, अब यहाँ पर चीजें बहुत सारी हो जाती है, हर बच्चे का पढ़ने का अलग तरीका होता है, हर बच्चे के समझने का अलग स्टाइल होता है, हर बच्चे का सीखने का अलग अलग नजरिया होता है, किसी बच्चे को कैसे समझ में आता है, किसी बच्चे को कैसे समझ में आता है। तो जब आप एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ते हो, जब आप शैक्षिक मनोविज्ञान को जब आप पढ़ते हो, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है और टीचिंग के दौरान इंडिविजुअल डिफरेंस कितना जरूरी होता है। ठीक है, और इंडिविजुअल डिफरेंस को हम एचटेट में, सीटेट में बहुत जगह पढ़ते हैं, कोई भी दो पर्सन सेम नहीं होते हैं, इवन जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना वो भी सेम नहीं होते हैं। ठीक है, दिखने में सेम होते हैं बट उनका जरूरी नहीं है, उनकी उनका पसंद अलग हो सकता है, उनकी पढ़ाई अलग हो सकती है, उनकी इच्छाएं अलग हो सकती है, कुछ भी अलग हो सकता है, वो अपनी एबिलिटीज में भी डिफर करते हैं और अपनी क्षमताओं में भी डिफर करते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को स्टडी करना क्या है, एक तरीके से एजुकेशन साइकोलॉजी का स्कोप यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब यहाँ पर देखो साइकोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो हम स्टडी तो करते ही हैं किसका, बिहेवियर का, बिहेवियर का स्टडी तो हम कर ही रहे हैं, बिकॉज साइकोलॉजी आपकी एक सॉर्ट ऑफ बिहेवियर ही तो है, हम किसी के व्यवहार का ही तो अध्ययन कर रहे हैं और हम किसी के एक्सपीरियंस को ही तो यहाँ पर देख रहे हैं। तो जब आप एजुकेशन साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो आप बिहेवियर ऑफ चाइल्ड इन डिफरेंट लर्निंग सिचुएशन आप यहाँ पर जान पाते हैं।
यानी कि हर लर्निंग सिचुएशन में आपका बच्चा कैसे व्यवहार कर रहा है, आपका बच्चे का व्यवहार ये बता देता है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, उसको और किस अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊं कि उसका बिहेवियर जो है ठीक हो जाए। बिकॉज आपने देखा होगा ना कि क्लासरूम के अंदर बच्चे का बिहेवियर ही बता देता है, उसकी पर्सनैलिटी बता देती है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और जब हम एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो हम बिहेवियर को तो अच्छे तरीके से स्टडी करते ही हैं। तो इमोशनल, सोशल, फिजिकल एंड मेंटल बिहेवियर जो है चाइल्ड का, वो डिफरेंट सिचुएशन में लर्निंग में देखा जाता है, और एजुकेशन साइकोलॉजी की हेल्प से आप ये सारी चीजें अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, बिहेवियर किस फॉर्म में, उसका इमोशनल बिहेवियर, उसका मानसिक बिहेवियर, उसका सामाजिक बिहेवियर, उसका शारीरिक बिहेवियर, हर तरीके से आप उसके बिहेवियर को यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग आप सभी को पता है क्या होती है। ठीक है, एक तरीके से आप इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड गाइडेंस वर्कर एंड काउंसलर ऑफ द नॉलेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज वेरी एसेंशियल फॉर अ टीचर। आपके बच्चे हैं, अब आप अपने बच्चों को टाइम टाइम पर गाइडेंस भी देंगे, मार्गदर्शन भी करेंगे, उनकी काउंसलिंग भी करेंगे, उनको परामर्श भी देंगे। ठीक है, तो आप अब देखो गाइडेंस और काउंसलिंग में ना फर्क होता है, हम कई बार इस चीज को सेम लगा लेते हैं। गाइडेंस का मतलब होता है आपने बस उसको एज ए बता दिया भी आप ठीक है ये कर लो वो कर लो। काउंसलिंग का मतलब है जब कोई प्रोफेशनल तरीके से आपको बताए, जैसे जब कोई जैसे साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं ना, जैसे दिमागी रूप से अगर कोई परेशान है तो वो किसके पास जाता है, वो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। ठीक है, और गाइडेंस का मतलब होता है चलते फिरते कोई भी उसको थोड़ा सा राह दिखा दे, भाई ऐसे मत कर ऐसे मत कर, तो गाइडेंस कोई भी दे सकता है। लेकिन काउंसलिंग जो है ना वो कोई प्रोफेशनल ही देता है। ठीक है, तो आप जो है एक तरीके से आप प्रोफेशनल भी हैं, क्योंकि आप टीचर हैं तो आप प्रोफेशनल तो बिल्कुल है, तो आप अपने बच्चों की काउंसलिंग भी कर सकते हैं और उनको गाइडेंस भी टाइम टू टाइम दे सकते हैं, अगर आप एजुकेशन साइकोलॉजी को अच्छे से डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, आप पर्सनालिटी को डिस्कस कर सकते हैं, अपने बच्चे की जो पर्सनालिटी है उसको अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशन में, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल, डिफेक्ट्स एंड डिफेक्ट्स इन द पर्सनैलिटी कैन ऑल्सो बी स्टडी। यानी कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, जब आप उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं ना, तो आपको उसके पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है उसके बारे में भी पता चल जाता है। तो आप एजुकेशन साइकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो एजुकेशन साइकोलॉजी आपको हेल्प करता है बच्चे की पर्सनैलिटी को भी स्टडी करने। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। आप कैसे यहाँ पर मापन और मूल्यांकन करते हैं। अब देखिए, आप मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापन करना, और इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर एक तरीके से ये इफेक्टिव टेक्निक्स है टू मेजर एंड इवैल्यूएट द इंटरेस्ट। आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट देख सकते हैं, आप अपने बच्चे का एटीट्यूड देख सकते हैं, आप कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसका एटीट्यूड कैसा है उस चीज के लिए, साथ ही आप अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को भी मेजर और इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसका बिहेवियर है, उसका इंटरेस्ट है, उसकी एबिलिटीज है, सारी चीजें उस चीज को भी आप मेजर कर सकते हैं। ऑफ द स्टूडेंट बिसाइड दिस एजुकेशन साइकोलॉजी प्रोवाइड मच हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। आप अपने बच्चों की जो बुद्धि है, आप अपने बच्चे के जो उसका इंटेलिजेंस है उसका भी मापन करने में साइकोलॉजी आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो टीचर के लिए एक तरीके से हेल्पफुल रहती है ये सारी चीजें। अगर आप एजुकेशन साइकोलॉजी को नहीं पढ़ते, अगर आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं रहता, बस आप अपना सब्जेक्ट का ज्ञान लेकर के जाएंगे, आप अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे और वापस अपने को, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, ना ही बच्चे को कोई फर्क पड़ेगा उसे समझ में आया कि नहीं आया, बाद में उसको दिक्कत होगी बस, है ना। लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करता है, दोनों में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, टीचर में भी और बच्चे में भी। टीचर को ये पता रहता है कि मेरे बच्चे को कितना पढ़ा है, वो समझ में आ रहा है, और साथ ही बच्चा भी आपके साथ कम्युनिकेट करता है, इससे आपकी जो टीचिंग लर्निंग है वो आपकी इफेक्टिव तरीके से उभर के आती है। सेवंथ जो स्कोप है आपका वो ग्रुप डायनेमिक्स है और ग्रुप बिहेवियर है। ग्रुप बिहेवियर का मतलब क्या है, आपने बिहेवियर तो बच्चे का चेक कर लिया, लेकिन एक समूह के अंदर बच्चा कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, समूह के अंदर बच्चे का व्यवहार कैसा है, ये भी यहाँ पर काफी देखा जाता है। तो आप एजुकेशन साइकोलॉजी की हेल्प से बच्चे का ग्रुप के अंदर बच्चा कैसा लर्न कर रहा है, कैसे ग्रुप के अंदर प्ले कर रहा है, ठीक है, तो ग्रुप का बिहेवियर जो है बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, और ये आप साइकोलॉजी की हेल्प से अच्छी तरीके से कर सकते हो, देख सकते हो। आप बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शैक्षणिक मनोविज्ञान के कार्य क्या है, तो शैक्षणिक मनोविज्ञान के बहुत सारे यहाँ पर कार्य हो जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है आपका, आप अपने लर्नर को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, आपके जो स्टूडेंट है, लर्नर मतलब चाइल्ड और चाइल्ड मतलब जो आपका स्टूडेंट है, ठीक है, आप अपने स्टूडेंट को अच्छे से यहाँ पर स्टूडेंट को अच्छे से यहाँ पर क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और जब आप अपने स्टूडेंट को समझ रहे हैं तो आप क्या समझ रहे हैं, उसकी एटीट्यूड को, उसकी इच्छाओं को, उसकी एबिलिटीज मतलब क्षमताओं को, और उसकी इंटरेस्ट मतलब उसका इंटरेस्ट किस चीज में है।
ठीक है, आप उसके इंटरेस्ट को समझ पा रहे हैं, साथ ही उसके एस्पिरेशन यानी कि उसकी आकांक्षाओं का क्या लेवल है आप उनको भी समझ पाते हैं जब आप एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। भाई थोड़ा राइटिंग में इधर उधर हो सकता है, ठीक है। आप उसका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर भी यहाँ पर समझ पाते हो, जब वो चेतना में है तो वो कैसा व्यवहार दिखा रहा है, जब वो अनकॉन्शियस है अचेतन रूप से वो कैसा, जब वो सचेत है तो कैसा व्यवहार कर रहा है, जब वो सचेत नहीं है तो वो कैसा व्यवहार कर रहा है। तो आप बच्चे के हर एस्पेक्ट को समझ पाते हो, ठीक है। आप अपने बच्चे के प्रति पूरी तरीके से जागरूक रहते हैं, आपको पता होता है आपका बच्चा किस लेवल में कितना यहाँ पर कर सकता है। तो पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा है, दूसरा फंक्शन हो जाता है सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने बच्चे को जान लिया, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसके क्या डिजायर्स है, उसके क्या एटीट्यूड है, क्या उसकी एस्पिरेशंस है, आपने सब जान लिया, उसको जानने के बाद आप क्या करते हैं, जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो आपके सीखने के अनुभव है, उनको सेलेक्ट करते हैं बच्चे के लिए सारी चीजें, बारे बच्चों के लिए जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चा चीजों को अच्छे तरीके से सीख सके। पहले आप बच्चों के बारे में जानेंगे ना, उसके बाद ही तो आप अपना लर्निंग एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस आप गए, आपने अपना लेक्चर डिलीवर किया, अपना काम खत्म किया, चलो टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं होता है। पहले बच्चों की सारी आप देखना पड़ता है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चा पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता, थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा क्लास में कि अच्छा मेरा बच्चा आज थोड़ा सा ऐसे पढ़ेगा, तो वो एक टीचर का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। और यही चीजें कौन सिखाता है, ये आपको साइकोलॉजी में सीखने को मिलती है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है टू फैसिलिटेट स्मूथ गोइंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। आपने बहुत अच्छा उनको एक कंटेंट दे दिया, आपने उनको अपना एक लर्निंग एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज करके दे दिया, आपने अपना जो है सीखने का अनुभव उनको जो है ऑर्गेनाइज करके दे दिया, उसके बाद आपकी जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो कैसे चलेगी, बिल्कुल स्मूथ चलेगी। मतलब कि आप भी अच्छी तरीके से सारा काम कर रहे हो, आप भी अच्छी तरीके से अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और बच्चे भी चीजों को अच्छी तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। टू गिव नॉलेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आपको अपने बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पता है, एडोलेसेंस स्टेज के अंदर बच्चे की क्या ग्रोथ डेवलपमेंट होती है हम आगे वीडियो में कवर करेंगे, और जब साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है एडोलेसेंस स्टेज की क्या ग्रोथ क्या डेवलपमेंट होती है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों को देख सकते हैं। फैमिलराइज करते हैं विद द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इमोशंस। जो आपकी एडोलेसेंस स्टेज होती है ना, वो बिल्कुल ही इमोशनली अनस्टेबल होती है, बच्चा इसके अंदर पता नहीं रहता, वो एकदम से उसको गुस्सा आ जाता है, एकदम से उसको हंसी आ जाती है, उसको बस अपने फ्रेंड अच्छे लगते हैं, पीयर्स अच्छे लगते हैं, माँ बाप उसको दुश्मन लगते हैं। तो इस टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते रहते हैं, उसके जो शरीर है उसके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव होते रहते हैं, इसकी वजह से इमोशंस को कंट्रोल करना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। और ऐसा नहीं है यहाँ पर हम सिर्फ टीचर्स को ही रिस्पॉन्सिबल माने, यहाँ पर पेरेंट्स को भी बराबर ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। अगर इस स्टेज पर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को संभाल लिया तो बच्चा एक अच्छे रास्ते पर जा सकता है, अदरवाइज वो अपने माइंड में कुछ ऐसा सेटअप करके बैठ जाता है, फिर वो समस्या का सामना करना पड़ता है दोनों। टू गिव गाइडेंस टू द लर्नर्स। यहाँ पर जो शिक्षार्थी है, जो लर्नर्स है, जो बच्चे हैं, उनको गाइडेंस देने के लिए एक फंक्शन ये भी है, और बेटर एडजस्टमेंट बच्चा यहाँ पर कर पाए। बच्चा यहाँ पर एडोलेसेंस स्टेज में एडजस्ट तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर कर सकता है। पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे को कंट्रोल करना और बच्चा चाहता है आजादी। बच्चा चाहता है पेरेंट्स बिल्कुल भी उसको कंट्रोल ना करें, वो घूमे फिरे, अपने दोस्तों के साथ जाए, मूवी का प्लान बनाए, ठीक है, पुराना ढिम का जो कुछ है वो करना चाहता है, उड़ना चाहता है, बट पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इस टाइम पर बच्चा बिगड़ जाएगा, इसलिए वो उनको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, द्वंद्व होते हैं, और बच्चा जो है पेरेंट्स की बात मानना यहाँ पर पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर एक तरीके से पेरेंट्स भी गलत नहीं है, और बच्चा भी नया नया एक तरीके से टीन एज में आया है, वो नया नया एक तरीके से कहते हैं नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है, तो बच्चा भी यहाँ पर गलत नहीं है, बस एक तरीके से वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसको लाड प्रेम से एक बार उसको समझाया जाए, वो चीजें वो डिपेंड करता है। तो टू हेल्प अडोप्ट बेटर टेक्निक ऑफ डिसिप्लिन, उसको अनुशासन की एक अच्छी टेक्निक बता सकते हैं, भाई इस टाइम पर उसको ये बताना काफी जरूरी है। और टू हेल्प टीचर्स मीट इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स, टीचर्स को भी हेल्प करता है ताकि टीचर्स जो है इंडिविजुअल डिफरेंस को भी देख पाए अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ क्या थे, फंक्शंस थे एजुकेशन साइकोलॉजी को। एक बार फिर मैं मोटे तौर पर आपको बता देती हूँ एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी क्या था कि हम क्या कर रहे थे, माइंड के अंदर क्या काम चल क्या चल रहा है, वो किस बेस पर चल रहा है, हम कैसे एक्ट करेंगे जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है, और वो किस बेस पे, हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर, हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर हमारा व्यवहार दिखाया जाएगा, ठीक है। हमारा व्यवहार का
मेजरमेंट किया जाएगा, ये आपका साइकोलॉजी था। लेकिन इस चीज को जब हम एजुकेशन के फील्ड पर ले आते हैं, जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ले आते हैं, जब हम क्लासरूम के अंदर ले आते हैं इस चीज को और अपने बच्चों पर अप्लाई करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो जाता है। बिकॉज एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, एक तरीके से अप्लाइड साइंस ही है, ठीक है, क्या है, अप्लाइड साइंस ही एक तरीके से अप्लाइड है, किसका, साइकोलॉजी का, मतलब हम उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे आप, एक एक क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है, और अगर यहाँ पर कमेंट का कोई ऑप्शन हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हारे कितने नंबर यहाँ पर बन रहे। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम, अब मैंने आपके साथ डिस्कस किया जो कि जो मनोविज्ञान शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन शब्द से, स्पेनिश से, ग्रीक से या फिर इटालियन से, ये इटालवी नहीं है, इटालियन है, ठीक है। तो आप सभी को पता है ग्रीक से, ग्रीक से आपके दो शब्द बने हैं, पी एस वाई, साइके और लोगोस, ठीक है। साइके का मतलब क्या होता है, साउल यानी कि आत्मा, और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी करना या फिर साइंस, ठीक है। यानी कि साइकोलॉजी को सबसे पहले क्या कहा गया था, साइंस ऑफ साउल, आत्मा का अध्ययन यहाँ पर कहा गया था, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, कटिया एक क्वेश्चन तो चलो। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, मनोविज्ञान को निम्नलिखित के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रभाषित किया गया, किसकी साइंटिफिक स्टडी है मनोविज्ञान, पीपल एंड थिंग्स की है, इमोशंस और बिलीफ की है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ना तो पीपल और थिंग्स की है ना इमोशन और बिलीफ की है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बिहेवियर के बारे में, व्यवहार के बारे में कुछ बात कर रहे थे ना, व्यवहार के बारे में बात कर रहे थे, ना तो परसेप्शन और रिलीजन की है, धारणाओं के बारे में भी नहीं है, बल्कि किसका है, माइंड और बिहेवियर का ही साइंटिफिक अध्ययन आपकी साइकोलॉजी हो, ठीक है। किसी के माइंड में क्या चल रहा है वो उसके एक्सपीरियंस के बेस पर होता है, उसके उसका बिहेवियर भी उसके एक्सपीरियंस के बेस पर ही इन्फ्लुएंस होता है, तो माइंड और बिहेवियर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चरलिज्म शब्द किसने दिया था, टिचनर ने, TITCH, ये टीचनर किसका शिष्य था, विलहेल्म, एक सेकेंड, विलहेल्म वुंट का शिष्य था, और विलहेल्म वुंट किसके जो जनक है, स्ट्रक्चरलिज्म के, और ये स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान का संप्रदाय है, और विलहेल्म वुंट भी फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, और विलहेल्म वुंट ही कौन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट, अमेरिकन नहीं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, रिपीट पे करा रही हूँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। पहली जो प्रयोगशाला है मनोविज्ञान की कहाँ पर ओपन हुई, जर्मनी के लिप्ज़िंग शहर में, या फिर लिप्ज़िंग यूनिवर्सिटी, ठीक है, लिप्ज़िंग जगह का नाम है। इंडिया के अंदर कलकत्ता में YNN सेन गुप्ता, ठीक है, फिर से मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया, याद हो जाएगा ऐसे। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, विलियम जेम्स तो फंक्शनलिज्म के फादर थे ना, और अमेरिकन साइकोलॉजी के क्या थे, जनक भी थे, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम की बुक दी थी, वाटसन तो बिहेवियरिज्म से आते हैं, तो इसलिए टीचनर यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज टू स्ट्रक्चरलिज्म एज वाज टू फंक्शनलिज्म, किसका संबंध संरचनावाद से और किसका संबंध फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद से। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया ना ऊपर, स्ट्रक्चरलिज्म किसका संबंध है, वुंट का है, और फंक्शनलिज्म से जेम्स का है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, वुंट और जेम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, साइकोलॉजी इज ए, मनोविज्ञान है, बायोलॉजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, सोशल साइंस है, या फिर नेचुरल साइंस है, बताओ खुद क्या है, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के अंदर हम किसका व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है, और व्यवहार हम किसी दूसरे के साथ शो कर रहे हैं, तो जब दूसरे के साथ शो कर रहे हैं तो हम क्या हो रहे हैं, सोशल हो रहे हैं, सामाजिक हो रहे हैं, ठीक है, सोशल हो रहे हैं, सामाजिक हो रहे हैं, तो मतलब ये क्या है आपका, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, ये स्टेटमेंट किसने दी है, अभी मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया कि शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है, ये कथन किसने दिया है, ये कथन आपका स्कीनर ने दिया है, किसने दिया है, स्कीनर ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर ए टीचर इज, किसी शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है,
मतलब क्या उस चीज का फायदा है, एजुकेशनल के एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी की, आप जब साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो उसके क्या लाभ है, एक तरीके से ये पूछा। आप अंडरस्टैंड करते हो चिल्ड्रंस को या फिर स्टूडेंट को, ये तो सही बात है, यहाँ पर हम बच्चों को तो समझ ही रहे हैं, बच्चों को समझेंगे नहीं तो कहाँ से पढ़ाएंगे, है ना। कक्षा में रूल ऑफ साइंस, अप्लाई द रूल ऑफ साइंस इन द क्लास, या फिर सोल्व द स्कूल प्रॉब्लम, या फिर करेक्ट हिजर ऑन मिसकंसेप्शन अबाउट द यूनिवर्स, तो ये कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर सीधे तौर पर आंसर क्या हो जाता है आपका, अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन और स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि मतलब आप देख के ही बता सकते हो ये क्या बकवास है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसका आंसर तो सिर्फ यही दिख रहा है, मतलब नेग्लेक्ट करना भी आंसर को आना चाहिए साइकोलॉजी में, एक तरीके से ये भी एक अच्छी बात होती है कि अगर आप नेग्लेक्ट कर पाते हो, जैसे ऊपर का ऑप्शन मुझे अच्छा दिख रहा था, पॉजिटिव दिख रहा था, बाकी सारे मुझे नेगेटिव ही दिख रहे थे, है ना। खुद के मिसकंसेप्शन के लिए थोड़े नाम कुछ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध नहीं है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी एक बिहेवियरल साइंस है, एजुकेशन साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है, एक एजुकेशन साइंस एक पॉजिटिव साइंस है, या फिर एक नॉर्मेटिव साइंस है। तो देखो आपका ये बिहेवियरल साइंस भी है, हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ये एक सोशल साइंस भी है, हम सामाजिक विज्ञान भी इसके अंदर करते हैं, हम सामाजिक भी होते हैं, पॉजिटिव साइंस भी है क्योंकि जो फैक्ट है उसी के ऊपर ही बात करते हैं, हम कुछ भी अलग से बनाते नहीं है। जबकि नॉर्मेटिव साइंस मतलब कुछ एथिक्स वगैरह, मतलब हम इस चीज में थोड़ा ना गड़मड़ लेते हैं भाई, थोड़ा अलग से चीजें, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत है, इसका आंसर आपका यही आ जाएगा क्योंकि इन्होंने नोट पूछा है। और ये बाकी सब ना नेचर है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, ठीक है। जब आप नेचर को पढ़ते हो ना, एजुकेशन साइकोलॉजी की प्रकृति क्या है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी आपका बिहेवियरल भी होता है, व्यवहार विज्ञान भी होता है, सामाजिक विज्ञान भी होता है, पॉजिटिव साइंस भी होता है, क्या नहीं होता, नॉर्मेटिव साइंस नहीं होता, ठीक है। 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिकॉज इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने यहाँ पर डी ऑप्शन पूछा। तो आज के लिए इतना ही है, आई होप आपको समझ में आया है, मुझे फीडबैक जरूर देना अगर यहाँ पर ऑप्शन है फीडबैक देने का तो, ठीक है। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, आपके हर तीसरे दिन आपकी वीडियोस आपको प्रोवाइडेड कर दी जाएगी, आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, आपको यहाँ इस बैच के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक कीप लर्निंग।